सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। कठिन शब्दार्थ, रुकावट, किसी वस्तु की बाधा, निगलना, बिना चबाए खाना, अजनबी, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, स्वस्थ श्वसन, उचित श्वसन तंत्र, स्वाद, भोजन का आनंद लेना, संक्रमण, ऐसी अवस्था जो विभिन्न रोगों के कारण हो। बुजुर्गों ने सही कहा है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। यह कथन सुरक्षा के लिहाज से सही है। हम सुरक्षित तभी हैं जब हम सुरक्षित हाथों में हैं। हम खतरे से बाहर हैं, हमारी रक्षा हो। सुरक्षा का अर्थ रक्षा भी है। हमें सुरक्षित वातावरण में रहना चाहिए। हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दुर्घटना के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: गिरना। घर और विद्यालय में दुर्घटना का मुख्य कारण गिरना ही है। हमें देखकर चलना चाहिए। हमें सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय सावधान रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं, दुर्घटना को रोकने के लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय से घर जाते समय तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। खाते समय तुम्हें खाना निगलना नहीं चाहिए और भोजन का स्वाद लेना चाहिए। आग, जब तुम्हारी माँ खाना पका रही हो तब रसोई में मत जाओ। तुम गर्म पानी या तेल के छींटों से जल सकते हो। यदि कोई माचिस के डिब्बे मिले तो उसका उपयोग मत करो। दवाइयाँ, जहरीले पदार्थ जैसे कीटनाशक, ब्लीच, कीटाणुनाशक, केरोसिन आदि को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। जो भी दवाई या टॉनिक हाथ में आ जाए उसे मत पियो। ये देखने में रंगीन लगते हैं, लेकिन खतरनाक होते हैं। ये जहरीले होते हैं, इनसे आप बीमार हो सकते हैं। अजनबी, अजनबियों पर विश्वास मत करो। वे तुम्हें तुम्हारे घर माता पिता से दूर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे तुम नहीं जानते बात करने की कोशिश करे तो अपने माता पिता व शिक्षकों को सूचना दो। कोई अजनबी बिस्किट या टॉफी दे तो उसे मत लो, उसमें बेहोशी की दवा हो सकती है। यदि तुम पार्क में जा रहे हो तो हमेशा समूह में रहो, अकेले मत रहो। बिजली के उपकरण, स्विच या प्लग के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा करने से बिजली का झटका लग सकता है। प्रेस को मत छुओ, हो सकता है अभी अभी तुम्हारे पिताजी ने इसे उपयोग किया हो, ये गर्म हो सकती है। अन्य बातें जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए: पहले बाएं, फिर दाएं और फिर बाएं देखकर सड़क पार करो। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करो। दुकान के किनारे ठेले से कुछ मत खाओ, यह भोजन दूषित हो सकता है, इससे तुम बीमार हो सकते हो। नुकीली वस्तु का प्रयोग मत करो, इससे कट सकता है और चोट लग सकती है। प्राथमिक चिकित्सा, यदि तुम्हें, तुम्हारे मित्र या किसी और को घर या विद्यालय में चोट लग जाए तो सबसे जरूरी है कि शांत रहें। कुछ देर सोचो कि क्या करना चाहिए। घायल व्यक्ति का उपचार करना और उसकी चोट को कम करना ही प्राथमिक चिकित्सा है। घर पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य होनी चाहिए। इसमें दवाई, मरहम, पट्टियां, एंटीसेप्टिक क्रीम, रुई आदि होना चाहिए। पास के अस्पताल का फोन नंबर और पता किसी जगह लिखा होना चाहिए। जब भी बाहर जाओ तब इसे पर्स या बैग में डालकर ले जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी से पीड़ित हो तो डॉक्टरी सहायता देनी चाहिए: सांस लेने में परेशानी, हृदय की धड़कन रुकना, खून बहना, बेहोशी, शरीर के किसी भाग में सूजन, बिजली का झटका या जहर। बच्चों को बताएं कि वे क्या करें। आपात स्थिति में बड़ों को सूचित करें। पारिवारिक डॉक्टर को फोन करें। प्राथमिक चिकित्सा पेटी के सामान का उपयोग, यदि कोई व्यक्ति घायल हो तो निम्न तीन नियमों का पालन करना चाहिए: व्यक्ति को कम से कम हिलाएं, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करें, देखो, महसूस करो, सुनो और सूंघो। शरीर के एक हिस्से की दूसरे हिस्से से तुलना करके देखें कि सूजन तो नहीं है। चोट लगने पर मुंह के अंदर देखें कि खून तो नहीं बह रहा।
होंठों पर जलने या जहर के निशान देखें। नाक से खून तो नहीं बह रहा यह जांच करें। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो तो उसकी नब्ज जांचना आवश्यक है। बच्चों को नब्ज देखना बताना चाहिए, इससे हम हृदय की स्थिति का पता कर सकते हैं। यह जानना भी जरूरी है कि घायल व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है, तब यह शरीर के सभी भागों में भेजी जाती है। बिना ऑक्सीजन के मस्तिष्क प्रभावित होता है। आपातकालीन उपचार। आपातकाल में हमें किसी चोट के सही इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किसी स्थिति में दिए जाने वाले उपचार की त्वरित जानकारी। दम घुटना, दोबारा सांस चालू करें, खून बहना, खून बहने वाली जगह पर दबाएं, जलना, जल्दी से ठंडा पानी या अन्य कोई ठंडा पदार्थ डालें, गला घुटना, भीड़ को या गला घुटने की वजह हटाएं, दौरे, हिलना डुलना बंद न करें, डूबना, पुनः श्वसन दें, फ्रैक्चर, व्यक्ति को हिलाएं नहीं, जहर खाना, पीड़ित को आराम से शांत रखें, बेहोशी, श्वसन और परिसंचरण की जांच करें। सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना टालने के लिए बच्चों को ट्रैफिक के मूल नियम सिखाने चाहिए। सड़क दुर्घटना में ये सुनिश्चित करें कि आपको चोट तो नहीं लगी। यदि आपको चोट लगी है तो तुरंत किसी को निकट से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहें। अपने साथ हमेशा इमरजेंसी नंबर अवश्य रखें। आग दुर्घटना। आग तेजी से फैलती है। आग की लपटें ही नहीं बल्कि धुएं और जहरीली गैस भी खतरनाक हो सकती है। उदाहरण के लिए, घर पर प्लास्टिक का फर्नीचर जलने पर जहरीली गैसें छोड़ता है। ऐसी स्थिति में दम घुटने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भवन से बाहर निकाल दें। आग लगने पर कमरे के सभी खिड़की व दरवाजे बंद कर दें। उस कमरे में प्रवेश करने का प्रयास न करें जिसमें आग लगी हो। डूबना। यदि कोई बालक डूब रहा है और आप तैरना नहीं जानते हो, पानी में कूदने का प्रयास न करें। मदद के लिए किसी को बुलाएं। यदि बालक को बाहर निकाल लिया गया है और वह सांस लेना बंद कर देता तो उसे मुंह से सांस दें। बच्चे को तब तक गर्म रखें जब तक एम्बुलेंस न आ जाए। बिजली से दुर्घटना। बिजली का झटका लगने पर पावर बंद होने तक प्राथमिक चिकित्सा न दें। यदि बिजली को बंद नहीं किया जा सकता तो किसी सूखी सतह जैसे लकड़ी, अखबार या रबर की चटाई पर खड़े हों, उसके बाद पीड़ित व्यक्ति को सावधानी से खींचें। स्मरणीय तथ्य। सदैव कीटनाशक, केरोसिन और दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिजली का झटका लगने पर सर्वप्रथम बिजली बंद कर दें। यदि आप तैरना नहीं जानते तो पानी में